अस्सलाम वालेकुम। आज हम बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करेंगे, विच इज़ बैक पेन, यानी कि कमर का दर्द। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करें कि जो बैक पेन होती है वो इट्सेल्फ एक कोई बीमारी का नाम नहीं है, ये एक सिम्टम है, ठीक है। उसकी कोई ना कोई वजह होती है, ये एक डायग्नोसिस नहीं है। तो बैक पेन का होना एक अलग बात है, लेकिन उसकी वजह जानना भी ज़रूरी है। बैक पेन की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं और डिफरेंट डिग्री ऑफ सिवियरिटी हो सकती है। हल्की पुल्की दर्द से बहुत सिवियर दर्द हो सकती है। तो ये एक मैंने पिक्चर डाली है, आई होप आपको क्लियर हो। बैक को डॉक्टर्स जो है ना डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं उसकी बोन के हिसाब से, ठीक है। जो गर्दन वाला जो एरिया ना बैक का, सॉरी जो आपकी स्पाइन है उसका जो गर्दन वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं सर्वाइकल हिस्सा। फिर जो चेस्ट वाला जो एरिया होता है उसको कहते हैं थोरेसिक। फिर जो वेस्ट वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं लम्बर। और हिप्स वाली जो जगह होती है टेल बोन तक उसको कहते हैं पेल्विक। अब बैक पेन का मसला न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि आपकी नर्व्स के मुतल्लिक हो सकता है। मस्कुलर हो सकता है, यानी कि पट्ठों की कोई मसला हो सकता है, कोई इशू हो सकता है। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक कॉज हो सकती है, यानी कि जो हड्डी है उसका मसला हो सकता है। और ये साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। अब ट्रीटमेंट जो होता है ना इसलिए इतना सीधा नहीं होता, कॉज को समझना पड़ता है और ट्रीटमेंट उस हिसाब से होता है। तो थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूं व्हाट इज़ बैक। जनरली तो सबको पता ही है कि बैक किस चीज़ को कहते हैं, कमर किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं ना गर्दन से लेकर हिप्स के दरमियान जो हिस्सा है उसको बैक कहते हैं। और बैक में बाय द वे जो पेन होती है ना, एक तो दो तरह की आप कह सकते हैं। एक होती है विसरल पेन। विसरल पेन का मतलब है कि इस एरिया में अंदर जो भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका हार्ट, डायफ्राम, लिवर, स्टमक, पैंक्रियाज, गॉल ब्लैडर, किडनी, ब्लैडर, यूट्रस, ठीक है, इंटेस्टाइन, इस सारे जो ऑर्गन्स है ना जो अंदर हैं, इनके इश्यूज की वजह से भी बैक के डिफरेंट एरियाज होते हैं जहाँ पे पेन होती है। इसको कहते हैं विसरल पेन। ये कलर कोडेड सा चार्ट मैंने डाला है, ये एक आइडिया कराता है। जैसे कि गॉल ब्लैडर की पेन है तो वो शोल्डर पे या गॉल ब्लैडर के एरिया पे ज़्यादा होती है, एंड सो ऑन, ठीक है। फिर जो मसल का अगर इश्यू है तो वो जनरली उसी एरिया में होता है, ठीक है। विसरल पेन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, ये डॉक्टर्स ने स्टडी किया हुआ है तो उसको और तरह से अप्रोच किया जाता है। तो ये पिक्चर मैंने मज़ीद डाली है। पहली पिक्चर में आपको मसल्स नज़र आ रही हैं बैक की, कितनी सारी मसल्स हैं। इस तस्वीर में भी आप मज़ीद लेफ्ट और राइट साइड को देखें तो एक ऊपर से अगर इमीडिएटली स्किन के नीचे जिस तरह मसल्स होती हैं ये वो हैं, और जब इन बड़ी मसल्स को हटाते हैं तो राइट साइड पे जो उसके भी नीचे जो छोटी मसल्स मौजूद हैं ये एक मुकम्मल व्यू है उसका। फिर जो राइट पिक्चर है वो बोन्स हैं। पहली वाली जो पार्ट है इस पिक्चर का वो है, अगर आप फ्रंट से पेशेंट को देख रहे हैं, दूसरा साइड से देख रहे हैं, और जो थर्ड पिक्चर है इसमें वो है बैक से व्यू है हमारी स्पाइन का, ठीक है, वर्टेब्रल कॉलम का। अब बैक पेन जो होती है किन लोगों में ज़्यादा होती है? नंबर वन एल्डरली लोगों में, बुज़ुर्गों में। एज के साथ साथ आपके जॉइंट्स, आपके मसल जो होते हैं उनमें चेंजेस आते हैं, वो पहले जैसे नहीं रहते, हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाती हैं, मसल भी वीक हो जाते हैं, तो इन लोगों में बैक पेन ज़्यादा देखी गई है। फिर कुछ लोग होते हैं जिनको प्रीवियस भी बैक पेन के इश्यूज रहते हैं, इन लोगों में अक्सर स्लिप डिस्क का मसला होता है, ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं। तो प्रीवियस सफरर्स जिनको पहले बैक पेन है वो मोस्ट लाइकली उनको सारी ज़िंदगी कुछ हद तक बैक पेन रहती है। फिर मैनुअल वर्कर्स जिन लोगों का काम ही इस तरह का है कि हैवी हैवी वज़न उठाएं, जैसे कि माइनर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वगैरह जिन्होंने झुक के वज़न उठाने होते हैं, इवन कुछ हाउसवाइफ्स जिन्होंने अपने बच्चे उठाने होते हैं हर वक्त और साथ साथ घर के काम करने हैं, उन्हें झुकना होता है और स्ट्रेन करना होता है, इन लोगों में भी देखा गया है कि ज़्यादा रिस्क है। इवन जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं उनके ऊपर, उनकी स्पाइन पर भी गैर मामूली बोझ होता है, तो उस वजह से भी उनकी बैक पेन हो सकती है।
देन ओबीज लोग, जो लोग मोटे हैं, ज़्यादा ओवरवेट हैं या ओबीज हैं, उन लोगों की जो कमर होता है उस पर बहुत ज़्यादा लोड होता है, एक्स्ट्रा स्ट्रेस होता है, तो उन लोगों में भी बैक पेन होने के चांस ज़्यादा हैं। फिर जो लोग बहुत लंबे होते हैं, टॉल पीपल जो होते हैं ना, उनमें भी देखा गया है कि इन लोगों में भी बैक एक के इंसिडेंस ज़्यादा होता है। अब कॉजेज़ क्या है बैक पेन की? सबसे कॉमन कॉज जो है वो है स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी। मतलब ये बड़ी गहरी बात है, लोग इसको समझते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत गहरा ताल्लुक है स्ट्रेस का बैक पेन के साथ। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मैंने बहुत लोगों में ऑब्जर्व किया कि जो लोग ज़हनी तौर पे किसी दबाव का शिकार होते हैं, परेशान होते हैं, अक्सर वो नोटिस करते हैं कि उस दिन उनको कमर में भी ज़्यादा दर्द हो रही होती है। फिर उसके अलावा आम रूटीन से ज़्यादा आपने एक्सर्शन कर लिया है, ज़्यादा काम कर लिया, उस दिन भी बैक एक ज़्यादा हो सकती है। फिर आपका पोस्चर ख़राब होता है जनरली, जो लोग थोड़ा सा झुक के अपने शोल्डर्स को स्लाउच करते हैं, उनका पोस्चर, कमर सीधी नहीं रखते, उन लोगों में भी बैक पेन ज़्यादा देखी गई है। कुछ लोगों का मैट्रेस अच्छा नहीं होता, अनसुटेबल होता है उनके लिए, तो उसमें भी देखा गया है कि जो बहुत नरम मैट्रेस इस्तेमाल करते हैं ख़ासतौर पर, तो उनको बैक एक ज़्यादा होती है। देन कुछ लोगों में किसी चोट लगने की वजह से भी बैक पेन हो सकती है। फिर जो लोग हैवी लिफ्टिंग किसी दिन ज़्यादा कर ली है, तो उस दिन बैक पेन हो सकती है। प्रेगनेंसी में या वज़न अगर बढ़ जाए तब भी बैक पेन हो सकती है। और कुछ लोगों में पीरियड्स के साथ देखा गया है कि बैक पेन होती है ज़्यादा। फिर अदर कॉजेज में वो तो बहुत ही लंबी लिस्ट है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन है वो मैंने लिखे हैं कि जिन लोगों को किडनी स्टोन्स होते हैं, पथरियाँ होती हैं किडनी में, या जिनको गॉल स्टोन होते हैं, कोई और अंदर के ऑर्गन्स के मुतल्लिक कोई इशू होता है, तो उनको भी बैक पेन हो सकती है। अब घर में हम क्या करें बैक पेन का? जनरली देखा गया है कि जो मोस्ट कॉमनली होता है ना, आप सिर्फ रेस्ट कर लें तो काफ़ी हद तक बैक पेन को फ़र्क पड़ जाता है। दूसरा ये, कुछ लोगों में देखा गया है कि टकोर भी थोड़ी सी हेल्प करती है, आप जेंटल सी टकोर कर सकते हैं। आप रेकमेंडेड डोजेजेस में पेन किलर ले सकते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने डॉक्टर से पूछ के पेन किलर लें, जो भी लेना है। फिर कुछ लोग मसल रिलैक्सेंट्स जो होते हैं वो लेते हैं, वो भी अगेन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही लें, लेकिन वो भी हेल्प करते हैं। मैं पर्सनली लोगों को न्यूब्रोल फोर्ट का ही मशवरा देती हूँ, क्योंकि उसमें मसल रिलैक्सेंट भी होता है और पेन किलर भी होता है। उसके अलावा ये कि मैट्रेस चेंज करने से भी कुछ लोगों को फ़र्क पड़ता है, थोड़ा सा फर्म मैट्रेस लें, जो नया मैट्रेस होता है ना वो भी बैक पेन को काफ़ी बेहतर कर लेता है। एंड ऑब्वियसली कुछ एक्सरसाइजेज हैं, फिजियोथेरेपी है, आप अपने आप को एजुकेट करें, फिजियोथेरेपिस्ट को देखें, उनसे एक्सरसाइजेज समझें, या किसी रिलायबल सोर्स से आप वीडियो देख के आइडिया करें कि कौन सी एक्सरसाइजेज आपकी कंडीशन के लिए सूटेबल हैं, तो उनको आप सीखें और प्रैक्टिस करें। डॉक्टर को कब कंसल्ट करना चाहिए? अगर टाइम के साथ साथ आपकी बैक पेन सिवियर होती चली जा रही है, तो मे बी ये कोई और मसला हो, तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। उसके अलावा ये कि अगर बैक पेन के साथ साथ कोई और सिम्टम भी हैं, जैसे कि आपको अपने जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी, ख़ास तौर पर टांगों में कमज़ोरी, या जैसे लगता है ना जैसे चूटियाँ चल रही होती हैं, या टिंगलिंग होती है, या इवन सुन भी हो जाती हैं टांगें, तो तब भी डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपका कंट्रोल पेशाब के ऊपर या बड़े पेशाब के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहा या वीक हो गया है, तब भी दिखाएं। या किसी चोट लगने की वजह से आपको बैक पेन हो रही है, तो तब भी दिखाएं। या अगर पेन किलर लेने के बावजूद आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो तब भी डॉक्टर को दिखाएं। डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपकी डिटेल में हिस्ट्री लेगा, आपका मुआयना करेगा, और उसके हिसाब से जो उसके जेन में आता है वो इन्वेस्टिगेशंस या इमेजिंग ऑर्डर कर सकता है। ज़्यादातर इतनी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती हैं इसमें, इमेजिंग ही ज़्यादातर डॉक्टर करते हैं, वो एक्सरे, सीटी या एमआरआई ऑर्डर कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर केस। तो आपको स्पेशलिस्ट को भी रेफर कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि आपको ज़रूरत है स्पेशलिस्ट की केयर की। डिपेंडिंग कि आपको क्यों है बैक पेन, आपको ऑर्थोपेडिक्स में भी रेफर कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी में भी कर सकते हैं। डॉक्टर जनरली पेन किलर ही देते हैं और फिजियोथेरेपी रेकमेंड करते हैं आम केसेस में, लेकिन अगर डेफिनेटली आपका कोई और कॉज है तो उस हिसाब से उसका ट्रीटमेंट होगा। कुछ लोगों में अगर स्लिप डिस्क है या कोई और एनाटॉमिकल मसला है, तो उनको सर्जरी भी सजेस्ट हो सकती है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। इसकी आउटलुक क्या है? जनरली कोशिश करें कि अपना एक अच्छा नेचुरल पोस्चर रखें,
बहुत ज़्यादा स्लाउच भी ना करें और बहुत ज़्यादा भी गैर मामूली अपनी कमर को ना अकड़ाएं। एक दरमियाना एक पोस्चर होता है जो हेल्दी होता है। उसके अलावा ये कि अगर आप हील्स पहनती हैं तो स्विच टू फ्लैट शूज़, वो बहुत हेल्प करते हैं। हील्स बहुत बुरी हैं आपकी कमर के लिए, तो वो क्योंकि आपका जो वेट है ना उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली शिफ्ट करती है, ठीक है? तो हील्स बिल्कुल क्विट कर दें, हील्स छोड़ दें पहनना, कंफर्टेबल जूता पहना करें। उसके अलावा ये कि आप कोशिश करें कि उल्टे मत लेटें, अपने पेट के ऊपर वजन रख के ना लेटें। उस वक्त अच्छा तो लग रहा होता है लेकिन लॉन्ग टर्म ये आपकी कमर के लिए अच्छा नहीं है। उसके अलावा ये कि फिजियोथेरेपी को सीरियसली कंसिडर करें। शुरू में कुछ सेशंस लें फिजियोथेरेपिस्ट से, उससे सीख लें, अपने आप को एजुकेट करें और फिर अपने आप को फिजियोथेरेपी खुद करवाएं, ठीक है? या किसी घर मेंबर से, घर में किसी से हेल्प ले लें बेशक। और अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर एग्जर्ट ना करें, अपने कुछ लिमिट्स रख लें कि मैंने इतना काम करना है, मैंने इतनी एग्जर्शन करनी है, उसके बाद नो। अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, सबको बता दें कि आप अपनी कमर को ओवर स्ट्रेस नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आपके बच्चे वजनी हैं, उनको उठाने से आप अनकंफर्टेबल होते हैं, तो बच्चों को ना उठाएं, इट्स ओके। और उसके अलावा ये कि कोशिश करें कि डे टू डे एक्टिविटीज़ में अपना पोस्चर ठीक रखें। इसकी मिसाल के लिए मैंने ये तस्वीर डाली है, जैसे कि अगर ज़मीन से झुक के आपने कोई चीज़ पकड़नी है तो उसका रॉन्ग और राइट वे आपको दिखाया है, ठीक है? इसी तरह बैठने का राइट और रॉन्ग वे, खड़े होने का राइट और रॉन्ग वे, थोड़ा सा प्रैक्टिस लगती है लेकिन आप एक दफ़ा अपने आप को आदत डाल लें तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपने कुछ लर्न किया, आपको अच्छा लगा सारा। और इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक माई वीडियो, कमेंट, शेयर। अगर आपको लगता है कि किसी और को इस इन्फॉर्मेशन से फ़ायदा होगा तो इस वीडियो को शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। वहाँ पे मैं रेगुलर पोस्ट अपलोड करती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो चेक दैट आउट, एंड इंशाल्लाह आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज़।